काफ़ी टाइम मिलकर दिखाओ कितना है। टेम्परेचर है अभी 76.8। ये कंटेनर है, इसको जीरो कर लेंगे तो बंद होगा। जीरो हो गया। अब इसमें 20 ग्राम सैंपल लेंगे, इसमें 20 ग्राम है। अलग होगा सब। ये 75.5 है, इसमें और मिलाएंगे अभी। ये 20 ग्राम हो गया है, 25.5 ग्राम सैंपल। अब इसको 10 मिनट के लिए ओवन में रख देंगे, 135 डिग्री पे स्टीरर चला देंगे। टेम्परेचर 135 होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस। इसका टॉलरेंस है 5 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर रखा हुआ है सैंपल, ये हमारी स्टॉप वॉच है। इसको 10 मिनट के बाद ट्यूब में फिल करेंगे। ये ट्यूब है विटामिन के लिए, 13 नंबर ट्यूब यूज होती है। विटामिन के लिए 13 नंबर ट्यूब यूज होती है। ये हमारा विस्कोसिटी बात है, इसके अंदर सिलिकॉन ऑयल भरा हुआ है। इसका टेम्परेचर 60 डिग्री होना चाहिए, 60 डिग्री सेल्सियस। इसका टॉलरेंस है 0.1 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ ये है वैक्यूम पंप प्रेशर, इसका प्रेशर 37 एचजी होना चाहिए। तब इसके साथ कनेक्ट करेंगे तब तक आएंगे आप। इसके 10 मिनट होने वाले हैं, 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम बाहर निकालेंगे, यहाँ से इसको स्टीरर को बंद करेंगे। ये ऑफ हो गया। इनको फील करेंगे, देख रही है जहाँ तक इसमें निशान लग रहा है वहाँ तक हम फिल करेंगे। ट्यूब को इसके अंदर रख देंगे ओवन के अंदर 135 डिग्री सेल्सियस पर ही 10 मिनट के लिए। स्टॉपवॉच स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट। ट्यूब को भी 10 मिनट तक अंदर रखना है ओवन के अंदर। दस मिनट हो चुके हैं, 9:55:56। अब ट्यूब को बाहर निकालेंगे। निकालो भाई, ट्यूब को विस्कोसिटी बाथ के अंदर रख देंगे। विस्कोसिटी बाथ में ट्यूब को 30 मिनट तक रखेंगे, फिर इसके साथ वैक्यूम पंप कनेक्ट करेंगे, फिर चलाएंगे। इसको 30 मिनट विस्कोसिटी बाथ में रखना है, उसके बाद वैक्यूम पंप कनेक्ट करेंगे इसके साथ।
ओवन से निकाल कर टी वी बाद में रख देनी है। इसका आधे घंटे तक बाप के अंदर रखनी है। स्टोव बाहर चल रही है, ये हो गए 28 मिनट हो चुके हैं इसको, और इसके अंदर का है टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस। ये वैक्यूम पंप है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ये पाइप कम हुआ है, यहाँ पे उंगली लगा कर चेक करेंगे। तीसरे में अच्छी होना चाहिए इसका प्रेशर। 25 मिनट हो चुके हैं, अब हम इस पाइप को ट्यूब के साथ कनेक्ट करेंगे। ए इधर टेम्परेचर ये पाइप ट्यूब के साथ कनेक्ट कर दिया है। ये 30 मिनट हो चुके हैं, अब हम वैक्यूम पंप को चला देंगे। अब बिटमिन ऊपर चढ़ रहा है पतली वाली नली में। अब जो नीचे निशान लग रहा है वहाँ से हम इसकी रीडिंग शुरू करेंगे स्टॉप वॉच के साथ। इसमें देखेंगे हम पहला बल्ब कितनी सेकंड में फिल हो रहा है। इसमें मार्क लगे हुए हैं अलग अलग, उसी के साथ इसकी रीडिंग नोट करेंगे। अब मार्क लगने वाला है, बबल को ऊपर निकल देंगे लाइन से। स्टोव शुरू कर दिया, स्टार्ट। अब इसको देखेंगे हम पहला बल्ब कितनी सेकंड में फिल हो रहा है। इसका प्रेशर वही 30 mm Hg। पहला बल्ब फिल होने वाला है, जैसे ही लाइन पे आएगा इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। बबल को ऊपर निकल देंगे, इसकी रीडिंग आई है 130, 1 मिनट 30 सेकंड। अब दूसरा बल्ब देखेंगे कितनी सेकंड में फिल हो रहा है। विटामिन के टेस्ट के लिए 13 नंबर ट्यूब का यूज करते हैं।
ये फिल होने वाला है, उसके बाद स्टॉप। ये हमारा टाइम आया है टोटल 5 मिनट 39 सेकंड। टाइम आया है 5 मिनट 41 सेकंड। अब हम इसको बंद कर देंगे। अब हम यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। एक था हमारा बल्ब भी, इसमें आई थी हमारी 1 मिनट 30 सेकंड, तो इसके हो गए हमारे टोटल 90 सेकंड हो गए। और इसका हमारा टोटल आया है 5 मिनट 39 सेकंड, तो इसको हम सेकंड में बदलेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 × 5 जो कि 300 + 39 ये हो गए 339। इसमें से माइनस करेंगे जो हमारी पहला बल्ब की जो टाइम है, उसको हम टोटल टाइम से माइनस करेंगे, -90। यह आ गया हमारा बल्ब सी का टाइम 249। अब यहाँ पर ट्यूब कांस्टेंट मांग रहा है। अब यहाँ पर हम इस ट्यूब का जो कैलिब्रेशन है, यहाँ पर हम नोट करेंगे। ये हमारा कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट है। ये बल्ब भी का कांस्टेंट है 32.335, इसमें लिखेंगे 32.335। ये हमारा बल्ब सी का कंटेंट है, इसमें लिखेंगे इसको 14.379। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। नब्बे इंटू 32.335 आया 2310। इसको यहाँ पर लिख लेंगे 2310। 310 पहुँच जाए पहले बल्ब में। दूसरे कैलकुलेशन करेंगे 249 + 14.379 आया आपका 3380। इसके एनवर करेंगे 3380। ये आ रहा है हमारा बीजी थर्टी की लिमिट है 2400 से 3600। ये दोनों पोज हमारे बिजी 30 में पास हो रहे हैं। पहले बार में इसके पोज आए 2310, दूसरे में आए 3380। ये बिटमिन हमारा बिजी 30 है। टेस्ट का नाम एक्सोर्ड डिस्कसिटी है। ये IS कोड 1206 में पार्ट 2 में है।